हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों में किसी ज़्यादा गलती, ये देखो बर्फ पड़ गई। फाइनली मेरे घर में भी बर्फ पड़ गई। इतनी खुशी बर्फ पड़ने की, इतनी खुशी नींद में। वो भी मेरे को गुड़िया ने बताया कि दीदी बाहर बर्फ पड़ गया, और मैं फटाफट से बाहर आई बर्फ देखने। पहले यही मांगा था कि भगवान, जब मैं सुबह सो के उठूँ तो प्लीज़ बर्फ पड़ी हो। ये मेरी विश थी और ये विश मेरी पूरी होगी। सीरियसली मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। मेरी सुबह बहुत ही प्यारी थी आज की। बर्फ़ कम पड़ी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, बट खुशी मेरे को इस बात की कि कम से कम पड़ी तो है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना। गुड़िया, जब तूने सुबह बर्फ़ देखी तो तेरे को मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा। कल मैं गुड़िया के साथ सोई थी, नींद में गुड़िया ने बोला दीदी बाहर बर्फ़ पड़ गई। मैंने बोला नहीं पड़ी होगी शायद। फिर मैंने सोचा यार एक बार मैं देखे आई जाती कि बाहर बर्फ़ पड़ी है कि नहीं। ये अच्छा लग रहा था ना। आदू तो सोया हुआ है, अभी कुंडी भी लगाई हुई है पता। आदू को मैं उठाऊंगी ना घर की, आदू बर्फ़ पड़ गई बर्फ़ पड़ गई, तो आदू पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा। मेरे को बोलेगा झूठ हो रही है झूठ हो रही है। पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। जो कल वो मेरे साथ नहीं सोया था ना। आदू सोया ही है। अभी चलते हैं खेत में, थोड़ा सा बर्फ के बीच टहलने, थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। क्योंकि आदू ने उठा सो के, और गुड़िया तो अभी जस्ट उठी है, तो वो फ्रेश होएगी पहले, फिर उसके बाद वो मेरे साथ खेलने आएगी। मैं सोचे एक गेड़ा तब तक मार के आती हूँ बर्फ के बीच का। इट्स अमेजिंग, अरे पिघल जाएगी बर्फ जब तक आदू ने उठना है। मैं गेट खड़खड़ा रही हूँ उसका, पर वो गेट खोल ही नहीं रहा है। बर्फ पड़ गई है मज़ा। गुड मॉर्निंग। बर्फ का मजा आया। ये गाय की सीट पे बर्फ है, और ये साफ करनी है अभी। साफ करनी पड़ेगी, गाय को 3-4 दिन से अंदर ही अंदर बेचारी। धूप लगी है तो बाहर आएगी धूप में ना। बर्फ पड़ गई, लकड़ियों पे भी बर्फ पड़ गई। लग रहा था कि बर्फ पड़ेगी, लग रहा था सारी रात बारिश जब लगी तो लगना ही है। ठंडे हो जाएगा। ग्लव्स लाओ। ये पूरा गाय की सीट पे जो है बर्फ ही बर्फ है, तो जब गाय ने यहाँ पर धूप में बैठना है उसको तो ठंड लग जाएगी। तो इसको साफ करते और यहाँ पे थोड़ी सी घास डालते ताकि गाय बाहर आ पाए और थोड़ी थोड़ी धूप सेक पाए, है ना मम्मी? हाँ, ये देखो गाय के बहने का वो भी गिल्ला। सब कितनी बर्फ पड़ती है। बर्फ तो पड़ी ही नहीं इस बार, है ना? कम पड़ी, बस पड़ी तो है ही ना। कम पड़ी पर पड़ी तो चलो शुक्र तो यही है कि बर्फ पड़ी है। ये देखो यहाँ पे बनी की सीट की, तो यहाँ पे छत पे ना बहुत सारी बर्फ है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि जितना भी पानी है ना फिर वो यहाँ पे आ रहा है इनकी सीट पे, जिससे पूरा नीचे गीला गीला हो रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं इसको साफ कर दे। काल्टी बाहर तो बर्फ पड़ गई, बाहर तो बर्फ पड़ गई काल्टी। बसंती अब तेरे को बाहर धूप में बिठाएगी, ठीक है? तेरे को भी ठंड लग रही है ना यहाँ पे अंदर रह रह के, बेचारी परेशान हो गई। नाडू और नाडू, ओए नाडू, बाहर तो बर्फ पड़ रही है, देख बर्फ ही बर्फ है बाहर, बर्फ बर्फ है। तेरे लिए बर्फ निकाल देगी और तेरे को अच्छी जगह में बाहर धूप में बिठाएगी, ठीक है? ओके बसंती, ओके गार्टू, आ जा इधर, आ जा काली। यहाँ से मम्मी साफ करने लग गए अभी बर्फ। देखते हैं अगर साफ होगी तो बाहर गाय को बांधेंगे, पर हो ही जाएगी साफ अब तो, क्योंकि धूप भी आज बहुत जबरदस्त लगी है, है ना मम्मी? यहाँ पे जहाँ पे तो नोडी और बसंती को बांधेंगे, यहाँ से तो बर्फ साफ हो गई है, साफ हो गई है, बट यहाँ पे भी पानी पानी है, तो इसको भी साफ करेगी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे तो मम्मी लगे हैं, ये देखो साफ करने, और फिर यहाँ पे काल्टी को बिठाएंगे। अभी मैं चलती हूँ नीचे किचन की तरफ। किचन में पापा है, पापा आग जला रहे हैं अभी किचन में बैठे बैठे। लाइट तो है नहीं, काम तो कुछ हो नहीं पा रहा है। नीचे चलते हैं। ये देखो जो जो लकड़ियाँ हमने इसके नीचे रखी थी वो ठीक है, और बाकी पे बर्फ़ है, बट हम इससे भी गुजारा कर लेंगे। गुड़िया लगी है फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने, चलो नीचे चलते हैं।
आज तो बर्फ पड़ गई है। हाँ मुझे पता है कि बर्फ पड़ गई है। गुगु ऐसे बोल रहा है क्योंकि गुगु तो सबसे पहले सो के उठ जाता है। गुगु को सारा पता होता है। सबसे पहले गुगु यहाँ पे चूल्हे के पास आता है आग सेकने। ठंडी इतनी लगती है ना इसको। ये देखो पापा ने आग जो है बहुत अच्छे से जला के रखी है, बिल्कुल मज़ेदार। यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म हमारे लिए पीने के लिए। आग वाग सेक के फिर मैं मम्मी पापा के कमरे में आ गई, क्योंकि मम्मी पापा ने अभी तक अपने बिस्तर ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं ही बिस्तर कर देती हूँ और साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई इनके बिस्तर करने। मम्मी पापा की तो हो गए, अब खुद के कमरे में भी जो है ना कर लेते हैं। बर्फ़ और बर्फ़ में चाय की चुस्की। चाय की एक चुस्की लीजिए। ले बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है ना, नॉट बैड। मेरे को नहीं आता, मैं चाय पी रही हूँ। देख मैं चाय पी रही हूँ, अभी बाद में खेलेंगे ना, चाय पीने दे पहले। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, दूध में डाल रहे हो बर्फ? दूध में बर्फ डाल के पी रहे हो ना? नहीं डाली, अभी तक तो नहीं डाली। तूने बर्फ डाली है दूध में? आपने हमारा जरा नहीं, पर मेरे को तुम्हारी हरकत मैं तेरे को उठाने आई थी सुबह सुबह, मैंने गेट में मारी खड़खड़ खड़खड़ा रही थी। मैं पता क्यों आई थी, मैं तेरे को ये बताने आई थी कि बाहर बर्फ पड़ गई है। कि तेरे को मेरे बिना नींद आ गई थी कल, तो क्यों आनी नहीं थी यार दीदी? नहीं मेरे को लग नहीं रहा तेरे को नींद आई थी। ये सुबह शराबी है, बहुत जल्दी आ गई थी। तेरे मुंह में मारू? तूने मेरे को चाय पीते मार वाला था। ये ले, मैं सोच रही थी कि कल मत करो, अभी मत करो, अभी रुको, मारूंगी मत, रुक तो सही। नहीं शॉल में कर, हाँ गिरा था मेरे। मैं कल सोच रही थी ना, देखते इसको दाढ़ी वाले बाल आए हैं। ये दाढ़ी वाले बाल नहीं है यहाँ पे, मेरे को जब मैं छोटी थी ना यहाँ पे फोड़ा हुआ था, तब उस वजह से मेरे यहाँ पे बाल आते हैं। कल रात को तू मेरे बिना सोया, आज तक के साथ सोया, तो तेरे को नींद आ गई बहुत अच्छे से? मुझे नहीं लगता आई तो थी, लेकिन नशे में डूब रहा है इसलिए सुबह खुल नहीं रही थी, तो जबरदस्ती उठा दिया। मैं तो ना उठा रही थी, तो तू जल्दी उठ ही नहीं रहा सुबह। मैं जल्दी तेरे पास आई, मैं कहा तू उठ जा उठ जा उठ जा, जब तू सोया था पहले, पता कितनी बर्फ थी जब तू सोया हुआ था। और हमने कुंडी थी लगाई हुई, तू कैसे आई? मैंने टक टक मारी बहुत जोर से, खड़खड़ाया। हाँ सुन रहे थे। अंशु ने खोला फिर, है ना, मेरे को उठाया अंशु ने, बोलो जा दरवाजा खोल, मैं एक्टिंग करा था जैसे मैं सोया हुआ हूँ। फिर अंशु को जाना पड़ा। व्यू देखो कितना जबरदस्त आ रहा है वहाँ पे उस पहाड़ी पे। अभी भी शायद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्नोफॉल पड़ रही है, और यहाँ पे भी पड़ रही है, और इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना। दूध के साथ साथ खाना भी खा लो, रात की रोटी रात की दाल खानी पड़ेगी। ओके ये देखो बर्फ थोड़ी सी साफ करके काल्टी को भी बाहर कर दिए, क्योंकि धूप जो है आज वो बहुत जबरदस्त लगी है, तो हमने सोचा कि चलो काल्टी को बाहर कर देते हैं, नॉडी को भी बाहर कर देते हैं, बसंती को भी बाहर कर देते हैं। काल्टी अब तू धूप से यहाँ पे और पत्तियाँ खा। ओके देखो बर्फ पिघलने भी लग गई, ये देखो गुगू भी बर्फ में खेल रहा है, बर्फ की आनंद ले रहा है। गुगी गुगुरु ठंड में भी बाहर नहीं हो जाना, ठीक है? मम्मी निकाल रही है अभी गोबर की साफ सफाई करने गाय के लिए, तो मम्मी कर रहे है गाय की सेवा और हमें करनी है बाकी लोगों की सेवा, जो आदू गुड़िया पापा और भी हमारे घर थोड़े से आज गेस्ट आए हैं, उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और खाने में मैं बनाऊँगी आज अरबी की सब्जी, तो चलो चलते हैं वापस किचन में। हमेशा की तरह ऊपर वाले किचन से मैंने मसाले ले आ दिए हैं, अरबी मैंने बॉइल्ड कर दी है। बर्फ पड़ने की खुशी हुई? खुशी क्या होगी, जितने में सो के उठा तो उतने में बर्फ पिघल गई है ना। उतनी भी नहीं पिघली है, अभी भी है, मतलब कम है, अभी थोड़ी थोड़ी है। गुगू और बनी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, धूप अच्छी लगी है आज, इसलिए हमने बनी को भी बाहर कर दिया है आज धूप सेकने के लिए, है ना बनी? हाय बनू। ये यहाँ पे बनी खेल रहा है चौकीदारी, ताकि यहाँ पे कोई कुत्ता आए और बनी को ना खा पाए। अगर कोई कुत्ता खाएगा तो गुगू उसकी ऐसी तैसी कर देगा, है ना गुगू? क्योंकि जो गुगू और बनी है ये दोनों दोस्त हैं। थोड़ी सी स्नो फॉल ही है, क्या फ़ायदा है ना गुड़िया, इतनी सी स्नो फॉल का क्या फ़ायदा। पूछ रहे थे कि ये लड़का कौन है, तो ये लड़का है मेरे मामू का बेटा आस्तिक ढोलता। यो इग्नोर।
पे हमला करो। चप्पल लगाई है हमने और चप्पल की वजह से हमारे पैर गीले गीले हो रहे हैं। ये गुड़िया ने भी जूते लगा कर आई है। गुड़िया ओए गुड़िया को मत करो हमला, गुड़िया पे मत करो हमला, तो गुड़िया पे मत करो हमला यार, हम अपना आपस में खेल रहे, गुड़िया पे हमला मत करो ठीक है। ओए इधर आओ, वो करते हैं गुड़िया रिया खेल रहे हैं मरिया। बर्फ खा रही है बेचारी, जैसे गुड़िया को कहीं बर्फ खाने को नहीं मिली। अरे हम खेल रहे हैं दीदी यार, तेरा बर्फ का गोला बनाओ ना फिर ऊपर फेंको, देखते जरा किसके सिर पे बचती है। चलो फेंको धारे में, फेंक दे चल हमारे मार। हम लोग चाहते थे कि बर्फ पड़े, ये देखो ऊपर से तो बर्फ पिघल के आ गई सारी, क्योंकि ऊपर धूप लग गई ना, ये देखो सारी पिघल गई। यहाँ पे बची है थोड़ी थोड़ी हमारे खेत में, पर मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी पिघल। क्या कर रहा है गुड़िया को, ये बड़ा परेशान करता है सभी को। गुड़िया गुड़िया ले इसको पकड़, इसको मार, मेरे को नहीं मार यार, पागल है ये, मेरे को ही मार रही है, इसको मारो ना यहाँ पे पकड़ के, मेरे को नहीं। यार मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे बर्फ पड़ी है, अगर दबा के बर्फ पड़ती तो और ज्यादा मजा आता है ना। यहाँ कहाँ पड़ती है, अगर दबा के बर्फ पड़ती तो ज्यादा मजा आता है ना, क्या बोलता है। पर बर्फ कुछ हो रही है, वो बहुत बड़ी है ना, वहाँ ज्यादा पड़ी होगी, यहाँ पे तो बर्फ पड़ी नहीं ना, मात्र पड़ी है, यहाँ पे बर्फ ही नहीं पड़ी। पड़ी भी है मतलब बिल्कुल कम पड़ी है, जब तक हम आए तब तक बर्फ तो सारी पिघल गई है ना, है ना। पर पहले आना चाहिए था, 10:30 बजे अभी पता है, हम 11:30 बजे सो के उठते, आज अगर हम 11 बजे सो के उठते तो बर्फ नसीब नहीं होती हमको पता है ना, क्योंकि जितनी जल्दी पड़ी है सारी बर्फ से नहीं पिघली यार, उस साइड धूप नहीं लगती ना, जल्दी उठने का कुछ तो फायदा हुआ, सही बात है। चलो वापस चलते किचन में, क्योंकि हाथ पर ठंड लगी रही है, भले ही कम बर्फ पड़ी है पर हमने थोड़ा बहुत एंजॉय तो कर ही लिया अपना, क्या बोलते हो, है ना। यहाँ पे बची है इस एरिया में, इस एरिया में इसलिए बची क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लगती ना, घर की जो छाया वो सीधा यहाँ पड़ती, इसलिए यहाँ पे पिघल नहीं रही, बाकी तो सारी पिघलने की कगार पे, सारी पिघल नहीं आ गई। हम चलते अपना खाना वाना बनाते हैं, जो डेली काम करते वही काम कर लेते हैं। लो जी सब्जी तो हो गई है एकदम से, थोड़ी तेज धूप क्या नहीं लगी और सारी बर्फ जो है वो पिघल गई है। आज हमने फिर से कपड़े धोए, ये यहाँ पे लगाए जो, क्योंकि आज धूप जो है वो बहुत जबरदस्त है। आगे से हट जाना बनी वहाँ पे सेक रहा है, तू यहाँ पे बैठा है, थोड़ा इस साइड बैठ जाना बनी वहाँ पे, क्योंकि बनी सेक रहा है। कहाँ लग रही है इसको छाया, बनी भी धूप का आनंद ले रहा है, आदू भी धूप का आनंद ले रहा है, गुब्बू भी धूप का आनंद ले रहा है, टूट जाएगा। गुड़िया मेरे को बोल रही है कि यार दीदी मेरी कटिंग कर दे थोड़ी नीचे नीचे से, क्योंकि इसके बालों में जो स्प्लिटर्स है वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। दिखाइए गुड़िया, ये देखो इसके बाल जो बहुत ज़्यादा रफ है और स्प्लिटर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत डरावनी लग रही है। बोल रही है कि थोड़े थोड़े से नीचे से सीधा करके काट दे, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा, देखो पहले थोड़ा थोड़ा गीला कर और कैंची लेकर आ, फिर मैं इसको बिल्कुल हल्का सा ट्रिम कर दूँगी नीचे से, हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का सा गीला करके आना, फिर मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ, तेरे को सीधे सीधे कर देती हूँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक तो मैं फिलहाल, मेरा प्रोफेशन है मैं व्लॉगर हूँ, अब मैं जो है सैलून भी खोलना चाहिए मेरे को, मैं ब्यूटेशन भी हुए एक गुड़ा का हेयर कट करूँगी अभी, देखना होगी। हेयर कट डन, गुड़िया कैसा लगा हेयर कट, बहुत अच्छा है। मम्मी व्लॉग देखने के बाद मेरे को गालियां मारेगी कि खुद तो तूने अपने बाल काट काट के खत्म कर दिया ना, इसके बाल भी तू ऐसे ही करते, जब व्लॉग देखेगी उसके बाद मेरे को पक्का गालियां पड़ेगी इस बात के लिए। आज का व्लॉग इतना ही था, होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया, होप पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।